thank you वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे तो आज है बारह तारीख की शाम मैंने दूसरा ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया है सुबह को भी मैंने व्लॉगिंग की थी और उसी के साथ ऐड करती तो व्लॉग बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए मैंने कहा चलो नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं अभी मैंने फेस को वॉश कर लिया इसलिए थोड़ा सा गीला गीला दिख रहा होगा आज के दिन पर मैं करने वाली हूँ ठाकुर जी की यानी कि लड्डू गोपाल की छठी पूजन तो जिन्होंने भी सात तारीख को जन्माष्टमी मनाई थी तो वो लोग बारह को कर रहे हैं छठी पूजन तो मैं भी कर रही हूँ फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो कैसे कर रही हूँ आप ब्लॉग पे बने रहिएगा तो सूक्ष्म रूप में मैं छठी पूजन करूँगी तो सबसे पहले थोड़ा सा उपटन करूँगी फेस तो वॉश कर लिया उसके बाद जो है मैं नहाऊँगी नहा के ही भोग वोक बनाऊँगी तो मेन्यू में है कढ़ी चावल क्योंकि छठी वाले दिन कढ़ी चावल बनते हैं तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मीठे में थूली भी बना लूँ मतलब कि लपसी बना लूँ और ईलू कढ़ी नहीं खाती है तो थोड़ा छोला भी छोले भी बना लूँ और दाल भी रखी है काली वाली उड़द की दाल तो वो भी बना लूँ तो पूरा स्पेशल मेन्यू हो जाएगा और ठाकुर जी को भोग लग जाएगा कड़ी चावल और थूली का तो उनका स्नान भी होगा उनको दूध में भी डुबकी लगाई जाएगी उनकी मालिश भी होगी तो वो सब कुछ मैं अभी करूँगी सबसे पहले नहा करके थोड़ा सा कड़ी चावल वगैरह चढ़ाती हूँ उसके बाद जो है छठी पूजन करते हैं ठाकुर जी को जो है सब कुछ करवाते हैं तो दूध की खुरचन बची हुई ना उससे कर लेती हूँ इसको वेस्ट नहीं करती हूँ मैं इससे उपटन कर लेती हूँ ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाएंगे तो मैं सोचू मैं भी हल्की सी पीली साड़ी जो है वो पहन लूँ नहा कर तैयार होकर मैं आ गई हूँ किचन में और निकाल लेती हूँ चावल चावल और कढ़ी का भोग जो है ठाकुर जी की छठी वाले दिन जो है वो लगता है तो मैंने मैंने पहले ही बता दिया कि कढ़ी चावल थूली और ये सब बनेगा तो मैंने बेसन लिया है छान लिया है उसे हींग और नमक डाल दिया है मिर्ची डाल दी है हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा पानी डाल के एक बार गाढ़ा घोल तैयार कर लूँगी और उसी में से ना जो है थोड़ा सा पकोड़े के लिए कि चार पांच छोटे छोटे पकोड़े बन जाएं वो वाला निकाल लूँगी बैटर और जो बाकी बैटर बचा होगा उसमें छाछ डाल दूंगी थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और थोड़े मसाले जो है ना वो और डाल दूंगी अब मैंने धनिया डाल दिया पकौड़े वाले घोल में तो मैंने धनिया पाउडर नहीं डाला था इसमें डालिया थोड़ा सा नमक मिर्च और डाल दिया है मैंने और बस इसके बाद जो है वो छाछ डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ बिल्कुल एक एक कटोरी जो एक एक बड़ी कटोरी बन जाए क्योंकि छोले और दाल भी बनेगा तो यहाँ पे डाल देते हैं चावल चावल पकते रहेंगे अब बना लेते हैं कढ़ी तो दो कढ़ाइयाँ मैंने चढ़ाई हुई हैं तो मैं घी में बना रही हूँ तेल में भी बना सकते हैं ऊपर से घी का तड़का लगा सकते हैं तो ये बस मैंने मेथी दाना डाला है और ये सूखी लाल मिर्च और राई डाल दी है कड़ी पत्ता अभी मेरे पास नहीं था वरना उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है बस वापस से थोड़ी सी हींग और डाली है मैंने और जो वो कड़ी वाला घोल बनाया था तो वो डाल दूंगी और ये पकती रहेगी बिल्कुल थोड़ी आपको दिख रही होगी थोड़ी ही बना रही हूँ क्योंकि एक कटोरी कढ़ी बन जाएगी एक कटोरी छोले बन जाएंगे एक कटोरी जो है वो बन जाएगी दाल और राजमा बिगे हुए होते तो वो भी मैं बना लेती थोड़ी सी हल्दी मैंने और डाल दी है और बस इसको घोल को है ना पकने देंगे कड़ी में कहते हैं ना जितने उबाल आए उतनी ही अच्छी बनती है फिर जो बाकी मैंने पकोड़े के लिए निकाला था उससे मैंने चार पांच पकोड़े जो हैं वो बना लिए हैं तो जो भी कोई शुभ कार्य होता है तो पकोड़े वाला ही वैसे तो कड़ी बनानी चाहिए आ, कोरी कड़ी नहीं बनानी चाहिए तो यहाँ पर मैंने जो है ना मेथी डाल दी है सूखी मेथी होती है ना कसूरी मेथी वो डाल दी है और बस इसको शिफ्ट कर दिया है दूसरे गैस में और यहाँ पे एक और जो है पेन चढ़ा दिया है उसमें तेल डाला है राई डाल दिए हींग डाल दिए हल्दी डाल दिए और मैंने ना टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था उसमें से आधा पेस्ट मैंने डाल दिया है उसमें ये बेसिक मसाले डाल दूंगी धनिया मिर्ची और गरम मसाला हो गया थोड़ा सा नमक और डाल दूंगी बाद में अभी वैसे मैंने छोले में उबालते वक्त डाला हुआ था तो छोले मैंने उबाल के रखे हुए थे तो फटाफट ये छोले बन जाएंगे तो ये छोले बन गए इसी को वापस से धोकर मैंने चढ़ा दिया इसमें घी डाला है राई डाली है और हींग डाल दी है हल्दी डाल दी है वही जो आ, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट था वो आधा और डाल दिया उसमें बेसिक मसाले डाल दूँगी लाल मिर्च धनिया नमक और इसको पकने देंगे जब ये घी छोड़ देगा तो बस ये दाल मैंने उबाली हुई थी काली वाली वो डाल देंगे तो देखो एक एक कटोरी सब कुछ बन जाएगा कटो कढ़ी और छोले और ये दाल बस इसको भी पकने देंगे और ये दाल भी तैयार हो जाएगी तो यहाँ पे ये तैयार हो गई है कड़ी कड़ी में ऊपर से एक बार और घी का तड़का और हींग का तड़का और मिर्ची का तड़का मैंने लगा दिया है अब जो है ये इतना सामान तैयार हो चुका है और इसमें हरा धनिया डाल देते हैं कड़ी में चावल भी तैयार हो चुके हैं कड़ी तैयार हो चुकी है छोले तैयार हो चुके हैं और हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है तो इसी तरीके से दिवाली के बाद मैं अन्नकूट भी करती हूँ कई सारी चीज़ें जो है ना वो बनाती हूँ तो बस यहाँ पे ये वाला व्लॉग मैं पहले ही डाल रही हूँ इससे पहले वाला भी शूट कर रखा था सुबह वाला बट बहन का पहले ये डाल देते हैं कल छटी की थी ना तो आज ये डाल देती हूँ तो बस अब मैंने कुकर चढ़ाया उसमें घी डाला है और वन फोर्थ कटोरी ना मैंने दलिया इसमें डाल दिया है तो थूली भी बना रही हूँ पीली रसोई बनती है ना तो इसलिए मैंने थूली भी बना ली है यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं जितना मैंने वो लिया था दलिया उतनी ही मैंने चीनी डाल दी है और यहाँ पे केसर के लच्छे डाल दिए हैं इलायची डाल दी है और पानी डाल दिया है अंदाजन और बस इसमें सीटी लगा देंगे तो हमारी थूली भी जो है ना तैयार हो जाएगी मेरी मम्मी बोलती है कि जब भी कुछ शुभ कार्य होता है तो थोड़ी सी कलर वाली चीज़ें बनानी चाहिए कोई खीर में भी कलर डाल दिया है इसमें तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मेरे पास ऑरेंज फूड कलर रखा था तो वो डाल दिया और तुलसी जी के बिना ठाकुर जी का भोग तो कम्प्लीट होता नहीं तो एक एक पत्ता मैंने तुलसी जी का जो है इसमें डाल दिया है तो भोग तैयार हो गया ये ठाकुर जी के डुबकी लगवाने के लिए पंचामृत स्नान के लिए और मालिश के लिए मैंने ये सब कुछ रख लिया है कच्चा दूध है और पंचामृत है और घी है ये हमारी थूली भी तैयार हो चुकी है कलर वाली इसमें भी मैंने तुलसी जी का पत्ता रख दिया है तो देखो सारा खाने का सामान तो मैंने तैयार कर लिया और ये सब कुछ जो है एक घंटे में मेरा तैयार हो गया था तो ये देखिए चावल तैयार हैं कढ़ी तैयार है छोले तैयार हैं और दाल भी है और लपसी भी है तो ये सारा भोग जो है हो चुका है ये देखिए है ना तो अब जो है भोग की थाली एक बार निकाल लेती हूँ अभी इतना सारा ले जाऊँगी तो तो दिक्कत हो जाएगी तो मैंने सोचा चलो एक थाली लगा लेते हैं उसमें भी सारा तुलसी जी के पत्ते और डाल दूंगी और फिर जब ये सारा ठाकुर जी को नहला दूंगी दूध में डुबकी लग जाएगी काजल लग जाएगा ठाकुर जी की छठी जो है हो जाएगी उसके बाद ये सारा प्रसाद जो है आके मिला दूँगी तो प्रसाद जो है वो हो जाएगा तो चलिए अब चलते हैं मंदिर में तो बस सब सारा सेटअप कर रही थी जो भी चीज़ें पहनानी थी ठाकुर जी को वो सब कुछ तो बस यहाँ पे घंटी मैंने बजाई है और ये सारा कुछ तैयार कर लेते हैं ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी ठाकुर जी के मालिश की तैयारी सबसे पहले मालिश होगी फिर दूध में तीन डुबकियाँ लगवाई जाएंगी फिर पंचामृत स्नान होगा नॉर्मल स्नान होगा उसके बाद ठाकुर जी को तैयार किया जाएगा पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं छट्टी में भी नए वस्त्र पहनाए जाते हैं नज़रिए गजरिए भी मैं लेके आई हुई हूँ और नया ही जो भी गले का हार है मुकुट है वो सब कुछ होगा तो ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें मैं रख रही ये मैंने आज ही ड्रेस मंगवाई है लेमन येलो कलर की कितनी प्यारी है ना और खिलौने भी उनको रख दिए जाते हैं उनके पास और आज काजल भी लगाया जाता है तो ये देखिए नजरिए गजरिए हैं ठाकुर जी के ये वाला जो है मुकुट और हार पहनाऊंगी मैं ये उनके खिलौने हैं तो छठी वाले दिन ये भी रखे जाते हैं तो ज़्यादा विधि विधान तो मुझे नहीं पता है जितना पता है और जितना पढ़ा है मैंने उसके अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ तो ये देखिए ये सारी तैयारी मैंने कर ली है अब सबसे पहले ठाकुर जी की मालिश होगी तो मालिश आप घी से भी कर सकते हैं आप तेल से भी कर सकते हैं मैं घी से कर रही हूँ तो ये सुबह ही मैंने मेरे ठाकुर जी को तैयार किया था सुबह का जो है दर्शन वो अगले व्लॉग में मिलेंगे क्योंकि सुबह वाला व्लॉग मैं कल डालूँगी तो यहाँ पर ठाकुर जी की अब मालिश कर देते हैं घी से जैसे बच्चे की जाती है ना मालिश तो उसी तरीके से इनकी की जाती है ये फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा कर देते हैं इसलिए तेज तेज लग रहा है लेकिन हल्के हल्के हाथों से ठाकुर जी की जो है वो मालिश की जाती है घी या तेल आप कुछ भी यूज ले सकते हो तो मालिश हो गई थी तो थोड़ा सा मैंने एक बार पानी डाल दिया है नॉर्मल वाला जल डाल दिया है और अब जो है ठाकुर जी को दूध में डुबकी लगवाई जाती है तीन बार तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है उसमें ठाकुर जी को पकड़ के तीन डुबकी जो है वो लगवाई जाती है तो ये देखिए इस तरीके से तीन डुबकी जो है वो लगवा देंगे और इस दूध को आप बाद में खीर बना सकते हो या कोई भी प्रसाद बना के बांट सकते हो खुद ग्रहण कर सकते हो मेरे तो ठाकुर जी छोटे से है ना इसलिए मैंने ये छोटी सी कटोरी में ले लिया जिनके ठाकुर जी बड़े होते हैं तो उनको बड़ी ज़्यादा मात्रा में और बड़े बर्तन में दूध लेना होता है तो बस अब मैं जो है पंचामृत स्नान करवा दूँगी पंचामृत वाला जन्माष्टमी वाले दिन बता ही रखा है घी दूध दही शहद घी चीनी ये सब कुछ से और तुलसी जी का पत्ता होना चाहिए बस इसके बाद नॉर्मल पानी से स्नान करवा के उनको पहुँच के टॉवल से और उसके बाद उनको श्रृंगार करेंगे तो ये नजरिए गजरिए हैं ठाकुर जी के मैं लेके आई थी तो ये कमर में बांध दूंगी ताकि इनको नज़र ना लगे एक गले में पहना देंगे जो भी चांद सूरज और होते हैं वो तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था और जो हाथों तो में पहनाने के भी थे तो ये येलो ड्रेस मैंने पहना दी है नई वाली ठाकुर जी को और ये भी पहना देते हैं और उसके बाद नया जो है गले का हार नया मुकुट जो है वो लगा देंगे कंगन पहना देंगे कानों में जो है कुंडल पहना देंगे बांसुरी रख देंगे और मेरे ठाकुर जी बहुत छोटे हैं तो जो भी मुकुट वुकुट ना बड़ी मुश्किल से टिकते हैं इनके सर पे इसलिए मैं पगड़ी जो है ना ज़्यादा लाती हूँ इनके लिए बड़ी मुश्किल से ये वाले मुकुट ना टिकते हैं ठाकुर जी के बिल्कुल छोटे से हैं ना इसलिए तो बस अब घी का दीपक मैं जला रही हूँ घी का दीपक जला के अब काजल लगाना बाकी बचाए तो अब काजल जो है इसी दीपक से मैं बनाऊँगी घी का दीपक जल रहा है उसके ऊपर चम्मच रख के और ये काजल बन जाए काला काला जो हो जाएगा ना इस तरीके से ये काजल काजल जो है वो तैयार हो जाएगा काजल बना के ठाकुर जी को दोनों आंखों में काजल लगाऊंगी और एक काला टीका लगा दूंगी उसके बाद बस फिर दिया बत्ती वगैरह करके और बस जो भोग है ना वो लगा देंगे तो ये देखिए काजल तैयार है हमारा ठंडा होने रखा था मैंने इस चम्मच को नहीं तो एकदम से गर्म में हाथ लगाए तो खुद ही का हाथ जल जाएगा तो बस ये ठाकुर जी की दोनों आँखों में काजल लगा के एक का, का, काला टीका जो है लगा के ताकि उनको नज़र ना लगे और यहाँ पर ये वाला जो है पूरा हो चुका है अब दिखाती हूँ आपको ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार तो ये देखिए पीले वस्त्रों में है ठाकुर जी मोर पंख भी मैंने रख दिया है खिलौने भी मैंने रख दिए हैं ठाकुर जी के ताकि ये खेल लें और बस अब भोग लगाएंगे और वो जो भोग लग जाएगा ठाकुर जी ग्रहण कर लेंगे उसके बाद सारे खाने में इस भोग को जो है वो मिला देंगे तो फिर उसके बाद हम ले लेंगे तो दिया धूप और दिया बत्ती जो है हो गई थी मेरी यहाँ पर ठाकुर जी को मैंने भोग लगा दिया है अब नीचे ले जा कर के ये सारी जो थाली थोड़ी देर बाद और मैं जो सारे खाने में मिला दूँगी तो सारा खाना जो है वो प्रसाद बन जाएगा तो इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल की छठी मनाई और आज के दिन पे नाम भी रख सकते हैं लड्डू गोपाल के जितने भी नाम होते हैं ना उनमें से कोई भी नाम आप अपने लड्डू गोपाल का रख के उससे पुकार सकते हैं तो यहाँ पे ये सारा मैंने डाल दिया ये सारा प्रसाद बन गया है तो आज के व्लॉग में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय लव यू ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग